अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 और अलिशबा आपको ख़ास तौर पर चूँकि आपने अस्सलाम वालेकुम टीचर से किया। आज हम दोबारा से ये सेट को स्टार्ट करने लगे हैं क्योंकि आपने मिस यास्मीन से कहा था कि सेट जो है ना वो हमें दोबारा से करवाइए, और जिसकी वजह से मुझे दोबारा से ये सेट जो है वो स्टार्ट करना पड़ रहा है। लेकिन ये रिव्यू होगा उस तरीके से, उतना एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा जितना आपको पहले मैंने किया था। अब तो सिर्फ उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ इसमें बताई जाएंगी सेट के मुतालिक। अब आपको सेट की डेफिनेशन, सेट क्या है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड and distinct objects. Well defined mean they have unique property. One always be one. A always be A. This is unique property of an element. And one, if the set consists of, for example, set A is equal to 1, 2, 3. Set A has the prop elements 1, 2, 3. One has unique property, that is only unit, stand for unit. Two stand for two units. Then one say increase ho gaye, two times the one. Two and three are not to be same. They have unique property itself. Okay? And distinct objects. Distinct object means two is different from one and three is also different from two. Each are different. तमाम सेट जो हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, इनको 1, 2, 3 को एलिमेंट्स कहते हैं। सेट बी इज इक्वल टू ए बी एंड सी। ए एंड बी आर टू सेट्स। ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3 हैं और बी सेट के एलिमेंट्स ए बी सी हैं। ए अपनी करेक्टरिस्टिक रखता है, बी अपनी करेक्टरिस्टिक्स रखता है एंड सी जो है वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स रखता है। आप सी के रिप्लेस ए नहीं लिख सकते, बी के रिप्लेस सी नहीं लिख सकते, थ्री के रिप्लेस टू नहीं लिख सकते। दे हैव डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी एंड हैविंग अ यूनिक प्रॉपर्टी, वेल डिफाइंड, यूनिवर्सली तौर पे एक्सेप्टेड है। जो वेल डिफाइंड नहीं, इसका मतलब है कि सपोज एनी सॉन्ग ऑफ 2020 बी 2020 का अहम तरीन सॉन्ग कौन सा है, इट मीन्स डिफरेंट लोगों की ओपिनियन डिफरेंट सॉन्ग के ऊपर होगी, यूनिक प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे। वो जो सॉन्ग है दैट इज haven't any unique property. Unique mean whole of the world, whole of the country jo hai usko accept kare ke this is the only one is the important or sabko pasand kiya jane wala song. Agar correct uski pasand karne ki characteristics different ho jayegi to that is not a have a unique property, that is not to be well defined. Okay, तो इस तरीके से हम ऐसे elements, ऐसी characteristics का इस्तेमाल as a element नहीं लेंगे जो universally तौर पर accepted हो। उसके बाद set is the well collection and well defined elements
उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। ये सिर्फ आपको रिव्यू दिया जा रहा है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में इफ ऑल द सेट्स आर टू बी अंडर कंसिडरेशन फॉर अ गिवन सेट, देन द गिवन सेट इज सेट टू बी अ यूनिवर्सल सेट। जितने भी सेट्स हम अगर पढ़ें और वो किसी एक सेट में से ही लिए गए हों, दैट सेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल, हम कराची से रिलेट करते हुए बताते हैं, अगर हम इसमें से गुलिस्तान जौहर को कंसिडर करें, एक सेट गुलिस्तान जौहर के तमाम ब्लॉक्स जो हैं वो एलिमेंट्स कहलाएं, गुलशन इकबाल के तमाम ब्लॉक्स हैं वो एलिमेंट्स कहलाएं, तो गुलिस्तान जौहर के एलिमेंट्स का एक सेट हो गया, गुलशन इकबाल के एलिमेंट्स का एक ब्लॉक का एक और सेट हो गया, और ये सेट जो है किसके अंदर मौजूद है, कराची में मौजूद है। देखो, कराची इज द यूनिवर्सल सेट, उसमें से लेकर ये सेट बढ़ाया गया। तो जितने भी सेट किसी सेट से मिलकर बहुत सारे सेट बनाए जाएं, तो वो जो एक्चुअल सेट होगा जिसमें से नए सेट बनाए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। द सेट ऑल सेट विच आर टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम ए गिवन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जितने भी सेट हम कंसीडर कर रहे हैं वो किसी एक यूनिवर्सल सेट का पार्ट होंगे। अब इसमें यूनिवर्सल सेट बताने के बाद हम आते हैं इनके यूनियन और इंटरसेक्शंस। फॉर एग्जांपल, यही हम सेट ले लेते हैं, इसमें से ए यूनियन बी करना है, तो ये इसका आंसर होगा 1, 2, 3, और यूनियन का सिंबल लगाकर बी के एलिमेंट ए बी सी, आंसर हमारे पास होगा 1, 2, 3 ए बी सी। यूनियन स्टैंड हियर एज ए यूनाइट, कंबाइन कर दीजिए। ओके, अब अगर हम इसको इंटरसेक्शन में लें, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में हर वो एलिमेंट्स दोनों में लेंगे जो कॉमन होंगे, अगर कोई कॉमन नहीं तो फिर एम्प्टी सेट आपका आंसर आ जाता है, और हर अगर दो सेट का आंसर एम्प्टी सेट आए तो वो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स, कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन ना हो तो उसको डिसजॉइंट सेट्स भी कहते हैं। तो ए बी सी इसका आंसर कोई नहीं आ रहा, तो देयरफॉर सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। और जॉइंट सेट्स क्या होंगे? फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेट पी है, पी के एलिमेंट्स हमने 1, 2, 3, 4, 5 और बी सेट के हम क्यू सेट के एलिमेंट्स को हमने ले लिया 2, 3, 5, 11, 19। अब इन दोनों सेट में एलिमेंट्स क्या कॉमन है? 2 इसमें भी मौजूद है, 2 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी 3 है, एपी में भी 3 है, क्यू में भी 3 है, पी में 5 है, इसमें भी 5 है। अगर दोनों सेट में कोई एक या वन और मोर देन वन एलिमेंट कॉमन हो, तो देन बोथ द सेट्स आर सेट टू बी ओवरलैपिंग सेट्स। क्या कहेंगे उनको? ओवरलैपिंग। ये मैंने पहले वाले के क्या बताया था, डिसजॉइंट, ये क्या कहलाएंगे? ओवरलैपिंग। तो अब इनका अगर हम इंटरसेक्शन लें दोनों का,
तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन 2, 3, 5, 11, 19। तो अब आप बेटे इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2 आप 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, एलिमेंट्स को सेपरेट कॉमा से किया जाएगा 5। ये सेट कौन सा था, डिसजॉइंट। और ये ओवरलैपिंग, ओके। तो इस तरीके से हम ये ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट की बात जब हम करेंगे तो ये वेन डायग्राम के अंदर ये बताया जाता है कि ये अगर कॉमन होगा तो फिर वो आपस में पता चल जाएगा कि इनमें कॉमन पार्ट्स कौन सा है और जो अनकॉमन है वो सेपरेट रहेगा एक दूसरे से। तो ये उस वक्त हम इसको बताते हैं खास तौर पे जब हमें सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए फोर्थ काइंड यानी वेन डायग्राम के जरिए से बताना, तो उस वक्त हम जॉइंट और डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं। अब हमें यूनियन इंटरसेक्शंस और उसके बाद हम बताने के बाद अब हम आएंगे ए सेट। आपके हमारे पास है ए सेट इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7 और बी सेट या वो हमारे पास है 2, 5, 9, 11। अब हम लिखेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये ट्रायंगल जो होता है इसको सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ए के नंबर हम लिखेंगे 2, 3, 5, 7। सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल लगाकर देखिए, अक्सर आप बुक में भी देखेंगे डायरेक्ट आंसर लिख दिया जाता है तो वो आपका आपको समझाने के लिए है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन करना है पेपर में आया है तो आप उसको स्टेप बनाएंगे तो यह हमारा पहला स्टेप बन गया। सेकंड स्टेप इसका क्या होगा, अब इनमें से वो एलिमेंट जो कॉमन है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, कॉमन जो है उनको कैंसिल करते हुए बाकी जो बच जाए, ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कैंसिल हो जाएगा, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी जितने बच जाए उनको हम कंबाइन कर दें, इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो क्या आंसर आएगा, 3, 7, 9, 11। बेटे कोशिश करनी है सेट के एलिमेंट को लिखते हुए, अरेंज करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो भी आप लिखें, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए, ओके। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ। एक रिव्यू दिया जा रहा है ताकि जल्दी से आपका ये तमाम सेट का जो चैप्टर है दोबारा से रिवाइज हो जाए। उसके बाद बेटे अगर आपको कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल से लिया जाता है। पहले डिफरेंस कर लेते हैं, सपोज ए इज इक्वल टू हमारे पास, ए हमारे पास दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और बी दिया हुआ है
हमारे पास सपोज 1, 4, 8, 11। आपसे मैं ये कह रहा हूँ बेटे कि आप भी डिफरेंस से लिखें, क्योंकि आपके सामने था डिफरेंस, बीच में उल्टा कर दिया फॉर। तो इसका मतलब है कि बी के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे 1, 4, 8, 11 माइनस आएगा 1, 2, 3, 4, 5। इसके नंबरों में से जो नंबर हैं वो कैंसिल हो जाएं, जो बाकी फर्स्ट में बच जाएं। देखिए इसका 1 कैंसिल हुआ इस 1 से, और क्या इसमें 4 कैंसिल हो गया। जो फर्स्ट में बच जाए, फर्स्ट में क्या बचा, 8 और 11 बच गए। ये बी डिफरेंस ए आ गया। क्या आएगा, बी डिफरेंस ए आएगा। डिफरेंस मालूम करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट्स में और फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स और सेकंड सेट के एलिमेंट्स में जो कॉमन है उनको खत्म कर देंगे, और फर्स्ट में जो बच जाएंगे वो आपका आंसर होगा। कोई फर्स्ट में से सेकंड को कैंसिल कर देंगे, जो फर्स्ट में बच जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, बी डिफरेंस ए हमारा उसका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से एक एक अगर करें ए डिफरेंस बी, जल्दी से आप भी करके देखिए, मैं भी करता हूँ आप भी करके देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंस, शाबाश, देखते हैं कौन जल्दी से करता है। 1, 4, 8, 11। अब बेटे मैं इसमें से 1 और 4 कैंसिल कर दिए, 1, 4 कैंसिल कर दिए, तो मेरा आंसर आ रहा है 2, 3, 5। वेरी गुड, आपने तो मेरे से पहले कर लिया, माशाल्लाह शाबाश, वेरी गुड। तो हम हमारा आंसर आप इसमें क्या आया, ए डिफरेंस बी का आंसर क्या आया, 2, 3, 5। और बी डिफरेंस ए का आंसर क्या आया था, 8, 11। ओके, इसका मतलब है बी डिफरेंस ए इज नॉट इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी। ओके, आगे बेटे समझ। अब आइए यूनिवर्सल सेट की तरफ आते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसके बाद बेटे आते हैं हमारे पास यूनिवर्सल। अगर हम सेट ले लें, यूनिवर्सल इज इक्वल टू यू सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल के 1, 2, 3 up to 10, इन 1 से लेकर 10 तक कंटिन्यू नंबर्स हैं। ए सेट इज इक्वल टू दिया हुआ हमारे पास 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9। ये नंबर कौन से हैं इसमें, 1, 3, 5, 7, 9, दीज आर ऑड नंबर्स, 2 के टेबल के नंबर नहीं है। और बी सेट इज इक्वल टू 3, 7, 10, हमें मालूम करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ दी डी मॉर्गन लॉ। दो डी मॉर्गन लॉ है, एक तो यह है
A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. अब आइए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट के एलिमेंट को खत्म कर दें जो बाकी यूनिवर्सल में से, इसमें U माइनस गिवन सेट. तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड. इसी तरह आप भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड लेकर फिर उसको प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो A यूनियन बी बेटे आप समझ आ रही है तो यस लिख दिया करें बेटे. A के नंबर से हमारे पास हैं 1, 3, 5, 7, 9 और B के नंबर्स हैं हमारे पास 3, 7 और 10. तो A यूनियन B में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9 और 10. ये A यूनियन B हमारे पास आ गया. अब हम इसका यूनिवर्स A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस A यूनियन B से. ओके बेटे, तो आप ए यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का डिफरेंस मालूम करें तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है. तो आप देख लीजिए बेटे हमारे पास यूनिवर्सल, देखे मैं यूनिवर्सल लिखा हुआ है तो पहले मैं यूनिवर्सल सेट के नंबर लिखूंगा 1, 2, 3 till 10. डिफरेंस 1, 3, 5, 7, 9 and 10. तो इस इन तमाम में से ये नंबर कैंसिल कर देंगे, खत्म कर देंगे तो हमारे पास 2, 4, 6, 8 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. ये किसका आंसर आया, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई. तो अब हम बेटे राइट हैंड साइड करने लगे हैं. तो राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में बेटे पहले हम इंडिविजुअल है तो यूनिवर्स A कॉम्प्लीमेंट पहले मालूम करते हैं. A कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्स सेट डिफरेंस A सेट. यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया हुआ है 1, 2, 3 till 10. डिफरेंस A सेट के एलिमेंट्स, आप A सेट के एलिमेंट्स देख लीजिए. A सेट के एलिमेंट हमारे 1, 3, 5, 7, 9 है. 1, 3, 5, 7 और 9. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, A कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा बेटे, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आएगा 2, 4, 6, 8 और 10. 2, 4, 6, 8 and 10. नाउ B कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं फिर उन दोनों का यूनियन करके देखें, इंटरसेक्शन करके देखेंगे. B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस A सेट B सेट. तो ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1, 2, 3 up to 10. डिफरेंस B के एलिमेंट बेटे क्या थे, B के एलिमेंट देख लीजिए हमारे पास है 3, 7 and 10. ये देखिए 3, 7 and 10. अब हम इसमें B के नंबर लिखेंगे 3, 7 and 10. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1, 2, 4, 5, 6
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, ये हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या प्रूव करना था? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है हुआ हमारे पास? A कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 और 10 इंटरसेक्शन 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 9 B। अब आप B के A दोनों का कॉमन कौन से नंबर्स आएंगे? 2, 2 कॉमन, 4, 4 कॉमन, 6, 6 कॉमन, 8, 8 कॉमन। तो क्या नंबर आएगा? 2, 4, 6, 8। आप उधर आंसर देखिए बेटे, 2, 4, 6, 8 है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 2, 4, 6, 8। या अब यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटे ये मैंने इसलिए लिखा, ये फिजिक्स में असेसमेंट में जाता हूँ बोर्ड के, तो फिजिक्स में से पहले यानी आज से 20 साल पहले 30 साल पहले मैं मैथ्स में असेसमेंट करता था बोर्ड, तो उसमें इस तरह का जो क्वेश्चन आता था तो ऐसे अक्सर हुआ कि कॉपी जो देखी गई किसी बच्चे के 5 में से 4 नंबर आए हुए। उसकी वजह क्या थी? उसने लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड की मार्कन का प्रूव करते हुए नीचे नहीं लिखा था लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड। इसको असेस करने वाले को एग्जामिनर जो है उसने एक नंबर काट दिया। तो उस वक्त से लेकर हम बहुत कॉन्शियस हो गए हैं छोटी छोटी बातों पे कि कहीं इस चीज के ऊपर किसी बच्चे का नंबर जो है वो ना आंसर कम ना हो जाए। ओके बेटे, अब हमारे पास हमने कॉम्प्लीमेंट भी कर लिया, डिफरेंस भी कर लिया, ये डी मॉर्गन ला भी कर लिया। अब हम ए क्रॉस बी पावर सेट की तरफ आएंगे। पहले तो हम पावर सेट की तरफ आते हैं, पावर सेट की तरफ आते हैं बेटे। अभी 5-7 मिनट हैं 8 और ये नेक्स्ट लेक्चर पे जाकर सेट का क्वेश्चन खत्म होगा बेटे। ए सेट इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 फाइंड PA। PA का मतलब है पावर सेट ऑफ A। इसकी इसका फॉर्मूला है 2^n इज इक्वल टू वेयर n इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट हैं? 4। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 सबसेट बनने चाहिए। तो क्या बनेगा? पहले तो आपको एम्प्टी सेट लिखेंगे, एम्प्टी सेट का ये सिंबल लिख दिया और दूसरा ए नंबर 1 आ गया, नंबर 2 आ गया और नंबर 3, 4, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4।
देखिए वन के हमने टू टू के पेयर बनाया, वन वन टू, वन थ्री वन फोर, अब क्या होगा टू थ्री टू फोर, ये तमाम के हैं सबसेट बन रहे हैं। ओके अब उसके बाद थ्री फोर रिवर्स नहीं आना। ओके अब थ्री थ्री के पेयर्स बनाते हैं वन टू थ्री, वन टू फोर, वन थ्री फोर, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, तो सिक्सटीन हमारे पास ये सेट आ जाएगा इटसेल्फ, वन टू थ्री एंड फोर। बेटे इसको ये सब सेट है, इनमें से ये इस सेट को छोड़कर, ये जो है इस सेट को छोड़कर बाकी जितने भी सेट हैं वो प्रॉपर सेट कहलाएंगे, इस सेट का प्रॉपर सेट। ये जो है ये सेट जो है ये इम्प्रॉपर है, इटसेल्फ सेट जो होता है वो इम्प्रॉपर सेट होता है। क्या होता है? इटसेल्फ इज ए इम्प्रॉपर। इस सेट के अलावा ये जितने 15 सेट बने हैं ये प्रॉपर सेट है और ये क्या है? इम्प्रॉपर सेट है। ओके ये याद रखिएगा प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट में फर्क। प्रॉपर सेट ज्यादा हो सकते हैं, इम्प्रॉपर सेट एक ही होगा वही सेट जो है। ओके तो मैंने प्रॉपर इन प्रॉपर की आपको डेफिनेशन फॉर्म में बता दिया ताकि आपको याद रहे। अब इसको अगर हम फर्दर कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो अब ये हमारा पावर सेट बन गया। क्या बन गया? पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। क्या बनेगा? ये होगा, इसको अगर हम कर्ली ब्रैकेट में फर्दर लिख दें तो ये हमारे पास पी ए पावर सेट ऑफ ए। ओके तो आपको प्रॉपर सेट या समझ आ गई और इम्प्रॉपर सेट की भी समझ आ गई। ओके इस आज आपका क्विज भी जाएगा, क्विज आपका जाएगा आज, आपको क्विज मिल जाएगा शाम तक। और बेटे आप बड़ी तवज्जो से सेट के आप पेपर ले लें टेंथ क्लास के, उनमें से पहले सिक्स चैप्टर आपको करने हैं और जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए हैं सेट के, तमाम सेट के क्वेश्चन को रिवाइज करना है। तकरीबन उन्हीं में से पैटर्न वही रहेगा, नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो गई है। तो आप बेटे देखने आप बहुत कम टाइम रह गया, मैं अगर स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट सेशन तो आपका जो है वो अब आप चार मिनट में देखता हूँ एक क्वेश्चन और नया पैट करने के लिए ए क्रॉस बी मालूम करना है। ए इज इक्वल टू अगर आपके पास है वन टू थ्री और बी इज इक्वल टू इसको एक्स वाई, ये कितने थ्री ये कितने टू, थ्री टू द सिक्स, सिक्स सिक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम कार्ड ए क्रॉस बी कहते हैं, ये होता है ए क्रॉस बी को कहेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। तो इसको कैसे करेंगे बेटे, जल्दी से हम करने की कोशिश करते हैं इन दरम्यान में ख़त्म ना हो जाए। क्रॉस एक्स कोमा वाई, पहले हम कर्ली ब्रैकेट में वन कोमा एक्स वन कोमा वाई, उसके बाद
2, x 2, y फिर 3, x 3, y बस ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके अंदर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में डोमेन और पूछा जा सकता है जिसको हम टॉम कहते हैं। हर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन कहलाता है। तो वन यहाँ पे दो दफे रिपीट हो रहा है, एक दफा लिखेंगे, टू भी दो दफे है, थ्री ये डोमेन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? डोमेन। इसकी रेंज क्या होगी? को डोमेन भी कहते हैं। रेंज सेकंड एलिमेंट x, y, x, y, x, y, x, y ये रेंज हो गई। तो अब आपको a क्रॉस b मालूम करना भी आ गया कि a क्रॉस b या b क्रॉस a कैसे करेंगे। b क्रॉस a करेंगे तो x, 1, x, 2, x, 3 उल्टा करते करते जाएंगे, फिर y के साथ करेंगे, पहले x के साथ फिर बनाएंगे, फिर y के साथ फिर बनाएंगे। तो ये बेटे आपका यहाँ तक आ गया। उसके बाद अब आपका सिर्फ रह गया हमें क्रॉस प्रोडक्ट बनाने के बाद, क्रॉस प्रोडक्ट यानी पार्टीशन प्रोडक्ट बताने के बाद, ये बाइनरी रिलेशन यानी a सेट और b सेट का ए क्रॉस बी मालूम करने को बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं। जब हमारा खत्म हो गया टाइम, तो मैं जाते जाते सिर्फ बता रहा हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, चैप्टर नंबर 1 से 1, 2, 3 तक से कर दिया कंप्लीट। अब 4 एक्सरसाइज जो है जिसमें आपको बाइनरी रिलेशंस और फंक्शन नहीं समझ आया खास तौर पे, उस पर एक लेक्चर चलेगा। बेटे तमाम बच्चे अपने नाम के साथ प्रेजेंट हों, जल्दी से अटेंडेंस हो, अटेंडेंस में अक्सर रह जाते हैं आप। और लास्ट तक बेटे प्लीज़ आप लास्ट क्वेश्चन तक आप आते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं। नाम के साथ बेटे एंटर हों, कोई प्रॉब्लम हो तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अब आप उसमें बताएंगे। चैट में जल्दी से पहले बता दीजिएगा कि आपको जो बताया रिवाइज के रिव्यू दिया है इसका वो समझ आ गया, चैप्टर को जस्ट रिवाइज करना था इसको, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ये मिस यास्मीन ने कहा था कि सर आप, मैं तो आगे जाना चाहता